हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंदनी ब्लॉग गाइस। हम इजाज अहमद, ए फार्मर ग्रेजुएट। आज एक ऐसे हैबिट के बारे में बात करेंगे जो लाइफ चेंजिंग बन सकता है, ठीक है। या आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नलिंग। साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन भी जर्नल्स मेंटेन करते हैं, जर्नल्स मेंटेन करने के लिए एडवाइस देते हैं, और उसके बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। जर्नल्स क्या होता है, क्यों जर्नल्स मेंटेन करना चाहिए, हमारा खुद के जर्नल्स के बारे में बताएंगे, आज जर्नल्स कैसे लिखते हैं और कौन सा सही टाइम होता है जर्नल्स लिखने का, ठीक है। सो आज का वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल होगा, सो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, ओके। पहले बात करते हैं जर्नल्स क्या होता है। जर्नल्स एक टाइप ऑफ डायरी राइटिंग है गाइस, जहाँ पर आप अपने लाइफ्स के बारे में, आप अपने गोल्स के बारे में, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखते हैं। लाइक आपका अगर कोई ड्रीम जॉब मिलना है उसके बारे में लिखते हैं, आपका अगर कोई ड्रीम बाइक है, ड्रीम कार, कुछ भी है वहाँ पर लिखते हैं। अगर इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ तो आप एक पेन ले लीजिए, एक बुक ले लीजिए, आपके पास डायरी है तो इट्स ओके। उसमें सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं वहाँ पर आप वो राइट डाउन कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है आपको बताता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ मैं खुद के जर्नल्स कैसे मेंटेन करता हूँ, ठीक है। वन मिनट। वाओ, 6 साल का 6 जर्नल्स है गाइस। पहले जर्नल से 2014-15 का ये जर्नल्स में मैंने लिखा है, एंटी एमबीबीएस डॉक्टर तुमसे ना हो पाएगा। देन उसके बाद के जर्नल्स पे लिखा हुआ है हमारा, एंड BIS IPS ऑफिसर। उसके बाद के जर्नल्स पे लिखा हुआ है, एंड बी ए ड्रग इंस्पेक्टर, मे बी पॉसिबल राइट। एंड नाउ फार्मासिस्ट, एंड साइड बाई साइड डूइंग ए यूट्यूब करियर, लेट्स सी व्हाट हैपन फ्यूचर। ओके गाइस, मेन टॉपिक बात है, मैं आपको लेटेस्ट जर्नल दिखाता हूँ, 2021 का जर्नल से हमारा ये, ठीक है। मैं खुद जर्नल्स कैसे मेंटेन करता हूँ दिखाता हूँ आपको। मैं सुबह से लेकर शाम तक जो भी करता हूँ यहाँ पर इन डिटेल से लिखता हूँ, की पॉइंट यूज करता हूँ, थोड़ा बुलेट पॉइंट्स यूज करता हूँ, ठीक है। और ऊपर में मैं टारगेट लिखता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है मैं भी या और मैं एवरी डेज को रेटिंग देता हूँ गाइज, लाइक 5 स्टार रेटिंग रहता है हमारा। अगर दिन बहुत अच्छा गया तो 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार भी कभी कभी होता है, 1 स्टार, 2 स्टार अगर बहुत बुरा गया तो, ठीक है। 0 स्टार, 0 स्टार तो कभी मिला नहीं है गाइज। मजाक से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब हमारा जर्नल्स रहा, पूरा जर्नल्स हमारा लाइफ के बारे में लिखा हुआ है गाइज, पूरा सीक्रेट है यहाँ पर। सच में एक मूवी बनाओ तो मूवी बन जाएगा। रियली नो गाइज, आई एम जोकिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ जर्नल्स। एडवांटेज और बेनिफिट दोनों एक ही होता है ना, या एक ही होता है। जर्नल्स मेंटेन करके आपको क्या बेनिफिट होता है गाइस, जब आप कंटिन्यूअसली जर्नल्स मेंटेन करते हैं ना, 6 मंथ्स, 1 ईयर तक, पहले बोरिंग सा लगता है, लेकिन आप जब कंटिन्यूअसली 4, 5, 6, 7 डेज करते हैं ना, तब एक कंसिस्टेंसी बन जाता है, आप में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। लाइक आपको प्रोडक्टिव फील होता है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आता है, ठीक है। आप कुछ अलग सा सोच पाते हैं, एक ऑर्गेनाइज थिंकिंग आता है। लाइक 60-80,000 थॉट्स एक दिन में आता है, तो कोई इंपॉर्टेंट थॉट रहता है अगर मैं रिकॉर्ड करके रख लूँ तो एक मेमोरी टाइप बन जाता है गाइस, ठीक है। तो और आप अपने डेली प्रोग्रेस मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने डेली का प्रोग्रेस कितना हो रहा है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और 2 से 3 साल बाद जब अपने पुराने डायरी खोल के देखेंगे ना, सच में आपको मजा आएगा बहुत ज़्यादा। आपका 2 से 3 साल का पहले का बाद आपको तो मैं भी याद नहीं रहेगा, मुझे भी याद नहीं रहता है। और भी बहुत कुछ होता है डायरीज मेंटेन करके, लाइक आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। कैसे, जैसे हम जब फ्रेंड से बात करते हैं तो फ्रेंड से बात करके साथ में माइंड क्लियर हो जाता है गाइस। उसी टाइम में हम अगर दुखी होते हैं, किसी भी मूड में होते हैं ना, उसी टाइम अगर डायरी में, जर्नल्स में लिखते हैं हम, तो उस टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ होता है गाइस। मैंने खुद रियलाइज़ करके देखा है सच में। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जर्नल्स मेंटेन करने का, मैं अगर सब बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। मैं अगर खुद के बारे में बताऊँ जर्नल्स मेंटेन करके मुझे क्या इंप्रूव हुआ है लाइफ में, मैं सच में बताऊं गाइस, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि चलो मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, ठीक है। मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, तो मैंने पहले स्टार्ट किया डेली बेसिस में, सुबह से लेकर शाम तक जो भी करता था, रात के 10 से 10:30 बजे के अंदर मैं वो राइट डाउन करता था, ठीक है। तो पूरा लिस्टिंग बनाता था और मैं जर्नल्स इंग्लिश में मेंटेन करता था गाइस, ठीक है। ऐसे नहीं बोलूँगा मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है इंग्लिश में, और वो जर्नल का कमाल है। मैं जर्नल्स मेंटेन करता हूँ इसीलिए इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख पाया, नहीं तो अभी तक मैं, मुझे नहीं लगता अभी तक सीख पाता, ठीक है। और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं सेल्फ टॉक करता था कभी कभी, मतलब जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं इंग्लिश में खुद ही खुद बात करता था, तो इसी से इंप्रूव हुआ है। और टेडेस्ट टॉक्स कभी कभार देखा करते थे, इंटरव्यूज इंग्लिश में जो भी होता था,
ठीक है, मेन टॉपिक में आते हैं। सो ये हो गया आपका बेनिफिट ऑफ जर्नल्स गाइज। मैं भी आपको बोर कर चुका हूँ, ठीक है, थोड़ा नॉलेजेबल है, बोरिंग सा लगेगा गाइज, एंटरटेनमेंट में तो बोरिंग नहीं लगता है, लेकिन कुछ नॉलेजेबल थिंग्स के लिए बोरिंग सा लगता ही है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेंटेन ए जर्नल और हाउ टू राइट ए जर्नल, आप जर्नल्स कैसे लिख सकते हैं। तो पहले आप एज ए स्टार्टर क्या कर सकते हैं, पहले आप जो प्लेस में है वो प्लेसेस के बारे में लिखिए, वो प्लेसेस के बारे में लिखा, आपका मूड कैसा है उसके बारे में लिख सकते हैं, डेट मेंशन कर दीजिए और इन डिटेल्स लिख लीजिए आप, कुछ बुलेट पॉइंट्स मेंटेन कीजिए, कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखिए और सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी करते हैं उसके बारे में लिखिए, आप अपने गोल्स के बारे में, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में पूरा लिख सकते हैं इन डिटेल ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। और कुछ आर्टिकल भी ऐड कर सकते हैं इसमें, कुछ कलर पेन यूज कर सकते हैं, मैं तो कलर पेन यूज नहीं करता लेकिन नॉर्मल पेन यूज करता हूँ, तो आप कलर पेन यूज कर सकते हैं हाईलाइट के लिए, ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक जर्नल्स बन जाता है, एक डायरी बन जाता है। आप जर्नल्स कब लिख सकते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है गाइस जर्नल्स लिखने के लिए, लेकिन मैं जो खुद का टाइम मेंटेन करता हूँ, मैं रात का 10:30 से 11 बजे के अंदर 10 मिनट टाइम देता हूँ, उसी टाइम के अंदर मैं जर्नल्स लिखना मेंटेन करता हूँ, मैं जो भी बुलेट पॉइंट है कल के लिए, जो भी मुझे टारगेट है, जो भी बनाना है, मैं वो मेंटेन करता हूँ। और सच में गाइस जर्नल्स मेंटेन करके सच में फ़ायदा मिलता है, मैं खुद रियलाइज़ करके देखा हूँ, ठीक है। आप अगर मेंटेन करना चाहो तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मेन टॉपिक में आते हैं, जो ऐसा नहीं है जो आपको जर्नल्स नाइट में लिखना है, आप अपने टाइम और शिफ्ट कीजिए, लेकिन बेस्ट टाइम होता है नाइट टाइम में, साइलेंट रहता है, मॉर्निंग टाइम भी बेस्ट होता है, मॉर्निंग टाइम में भी साइलेंट होता है, तो आप अपने गोल्स के बारे में, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में, डेली टारगेट्स के बारे में राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल टॉपिक रहा है गाइस, आई विश आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो मुझे मैसेज में बताना, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और पसंद आया तो आप फ्रेंड्स सबसे शेयर करना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइज, बिकॉज एक नया कंटेंट लाने में, कुछ एनालिसिस करने में बहुत सारे टाइम लगता है, आप अगर सब्सक्राइब कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक नया हूँ यूट्यूबर, ठीक है। और अगर नहीं भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज यू विश, लेकिन कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने फ्रेंड्स सबसे शेयर करना अगर पसंद आए तो, ठीक है गाइज, आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, टेक केयर ऑफ़ यू, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बाय बाय। सच में गाइज आज वीडियो बनाने के थोड़ा सा भी मूड नहीं था, फिर भी वीडियो बनाना है, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है वीक में एक वीडियो डालना ही है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है।